नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आपसे हमारी जैसी हम चर्चा हो चुके थे कि हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपनी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं और वो है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम आज से अपनी चर्चा को प्रश्नोत्तर फॉर्म में शुरू करेंगे और वो जो चर्चा होने वाली है उस पर जिस चीज़ का मुख्य फोकस रहेगा वो है भारतीय संविधान सभा, कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया, संविधान निर्माण के दौरान कौन कौन से व्यक्तियों का योगदान रहा है, कौन कौन सी समितियां बनी, संविधान सभा कितने दिनों में अपने संविधान को निर्मित कर पाई, इन समस्त पहलुओं को लेके हमने यहाँ पर कई प्रश्नों को बनाया है। अब ये जो संविधान सभा टॉपिक है ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, चाहे वो किसी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की बात हो या यूपीएससी बात हो या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम की बात हो, चाहे वो एसएससी हो, व्यापम हो, सब में संविधान सभा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन के निकलता है। तो हम अपनी चर्चा को संविधान सभा को आधार बना के करेंगे। चलिए अपने प्रश्नों पर आते हैं सबसे पहले और सीधा बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे शामिल किए गए हैं जो अभी तक परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं लेकिन भविष्य में परीक्षाओं में इनका प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलिए हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। जल्दी से इसका जवाब कमेंट में कर दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एम एन रॉय। देखिए एम एन रॉय कौन थे, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था इसके संस्थापक थे, भारतीय साम्यवादी दल जो था उसके ये संस्थापक माने जाते हैं। कौन एम एन रॉय, इन्होंने 1925 में सीपीआई का गठन किया था और 1934 में इन्होंने सबसे पहले 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था कि एक संविधान सभा होना चाहिए जो क्या करे, एक ऐसा संविधान बनाए, एक ऐसा विधानों का संग्रह बनाए जिससे भारत का संचालन, शासन संचालन व्यवस्थित रूप से हो सके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एम एन रॉय। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रस्ताव के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को स्वीकार करने की बात कही गई? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन सी कैबिनेट योजना या ऑप्शन डी वेवल योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका कमेंट में जवाब देना है क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव। देखिए जो संविधान सभा हमारी बनी थी वो बनी थी कैबिनेट मिशन के तहत, बनी किसके तहत थी, कैबिनेट मिशन के तहत। लेकिन प्रश्न ध्यान से पढ़िए, प्रश्न में क्या लिखा है, किस ब्रिटिश प्रस्ताव के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को स्वीकार करने की बात कही गई थी, स्वीकार नहीं किया गया था। तो कौन सा प्रस्ताव था, अगस्त प्रस्ताव, जो 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया गया था। 1940 में लॉर्ड लिन लिथगो। अब देखिए अगस्त प्रस्ताव में वो सारी बातें थी जो जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके उपरांत कही थी कि एक संविधान सभा गठन होना चाहिए। उसके बाद देखिए आप सभी को पता होगा कि 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध, और होता ये है कि फ्रांस की पराजय हो जाती है। अब ज़रूरत ये पड़ती है कि भारतीयों को भी विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाए, लेकिन जब भारतीयों को शामिल कर लिया जाता है तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों विरोध करना शुरू कर देती है। तो अंग्रेज़ इनको मनाने के लिए ऐसी बात कहते हैं कि जब हम उसमें जीत जाएंगे, विश्व युद्ध में जीत जाएंगे, तो हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। उसी परिपस में आया था क्या, अगस्त प्रस्ताव। आगे चल के इसी प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिए क्रिप्स मिशन आया, लेकिन उसको फिर स्वीकार नहीं किया जाता है और फिर कैबिनेट योजना के तहत आप सभी को मालूम है कि संविधान सभा गठन किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कैबिनेट योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न किए गए? बहुत ही खास क्वेश्चन है, कैबिनेट योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न किए गए? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जुलाई 1946, ऑप्शन बी नवंबर 1946, ऑप्शन सी जून 1947 या ऑप्शन डी अगस्त 1947।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जुलाई 1946। हुआ ये कि कैबिनेट मिशन आया था 3 सदस्यीय कैबिनेट मंत्रियों के अध्यक्षता पे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? स्टेफोर्ड सर पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। पैथिक लॉरेंस। इसके 2 सदस्य थे साथ में, इनके सहयोगी थे स्टेफोर्ड किप क्रिप्स। और सर ए बी एलेक्जेंडर। स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी एलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता पर आया था और इसे 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और 25 जून 1946 को कांग्रेस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। और इसी के तहत फिर जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होते हैं जिसका रिजल्ट कब आता है? नवंबर 1946 में। ये बात हो गई किसके संबंध में? कैबिनेट योजना के तहत चुनाव जो संपन्न हुए उस पर। अब अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 296 या ऑप्शन डी 93। 389, 299, 296 या 93। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 389। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्यों को चुना जाना था। इनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं से होना था। कहाँ से? प्रांतीय विधानसभाओं से। प्रांतीय विधानसभाओं से होना था। अब प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर होना था। 10 लाख की जनसंख्या पर होना था। देखिए 389 सदस्य चुने जाने थे टोटल। अब इसमें से 296 सदस्य ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रांत से आएंगे और 93 सदस्य आएंगे किससे? देसी रियासतों से। देसी रियासतों से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 389। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए देसी रियासतों के कितनी सीट आवंटित की गई? कितनी सीटें आवंटित की गई? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 93 या ऑप्शन डी 73। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 93। अभी इसके पहले भी हमने चर्चा की थी कि 389 टोटल सीटें आवंटित की गई थी जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत के अधीन थी। ब्रिटिश प्रांत में भी 2 भागों में बटा हुआ था, जैसे 292 सीटें आपकी 11 प्रांतों से आती थी और 4 सीटें कमिश्नरी क्षेत्र से आती थी। कमिश्नरी क्षेत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 93 किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत देसी रियासतों के लिए आवंटित की गई थी। अब देखिए 73 सदस्य चुन के आते हैं आगे जब चुनाव होता है तो मुस्लिम लीग के सदस्य चुन के आते हैं। तो 73 किससे संबंधित शब्द है? तो मुस्लिम लीग के सदस्यों से संबंधित है। अगले प्रश्न पे आते हैं, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एलन मुखर्जी, ऑप्शन बी एच सी मुखर्जी, ऑप्शन सी फ्रैंक एंथोनी या ऑप्शन डी वी टी कृष्णामाचारी। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि किताबों में इस चीज़ का जिक्र नहीं मिलता है नॉर्मली। ये प्रश्न MPPSC प्री परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है। अब आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ्रैंक एंथोनी। देखिए आप सभी को पता है कि पहली बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, उसमें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य उस समय संविधान सभा में चुनके आए थे। उन्होंने ही 9 दिसंबर के दिन ही एक सदस्य को चुना, निर्विरोध सदस्य चुने गए थे ये, फ्रैंक एंथोनी। इन्होंने कहा कि हम फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत उपसभापति चुनते हैं। और ये 9 दिसंबर की बात है, ये जो बात हो रही है कि प्रथम मनोनीत उपसभापति कब चुने गए थे, तो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। और आगे चल के देखें 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि दो एक सदस्य और चुने जाते हैं, जिनका नाम था आपका एससी मुखर्जी। इनका चुनाव होता है उपाध्यक्ष के रूप में कब, 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो जाता है तो जुलाई 1948 की बात आती है, उस टाइम पे चुने जाते हैं कौन, वीटी कृष्णमाचारी। तो ये तीन सदस्य जो थे, फ्रैंक एंथोनी, एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी, तीनों आपके उपाध्यक्ष के रूप में अपना कार्य किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैबिनेट योजना, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी सप्रू प्लान या ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैबिनेट योजना। कैबिनेट योजना के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। इसके यहाँ पर लाए जाने का यही प्रावधान था, वेवेल प्लान पहले आया था 1945 में, यहाँ की गवर्नर थे जो वेवेल, उन्होंने प्लान लाया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है, मुस्लिम लीग उसको स्वीकार नहीं करता है। और इंग्लैंड में उस समय ये स्थिति होती है कि वहाँ की सरकार परिवर्तित हो जाती है, क्लेमेंट एटली की सरकार आती है और भारत की स्वतंत्रता करवाने के लिए, भारत के शासन संचालन व्यवस्था को सुधारने के लिए एक प्लान भेजते हैं, कैबिनेट मिशन भेजते हैं, और इसी ने भारत में संविधान सभा के निर्माण, और साथ ही दूसरी चीज़ किसकी बात की थी, संविधान सभा के साथ अंतरिम सरकार की। अंतरिम सरकार को लागू करने के लिए ये प्लान आता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? यह कथन किसका था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर या ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उस समय के सारे बड़े बड़े सदस्य, जितने भी बड़े नेता थे, वकील थे, सब ने संविधान सभा की अपनी सदस्यता स्वीकार की थी, लेकिन महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं शामिल हुए थे? क्योंकि ये बहुत नाखुश थे इस बात को लेकर कि भारत का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है दो भागों में, मुस्लिम लीग और सांप्रदायिकता के आधार पर वो भी भारत का विभाजन हो रहा है, इसलिए बहुत नाखुश थे। और ये इसलिए कांग्रेस की सदस्यता छोड़ देते हैं और संविधान सभा में ये अपना प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। तो पर फिर भी जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने पूरे प्रस्तावों को लेके कि हम ऐसा प्लान करने वाले हैं, इस प्रकार से चीज़ें करने वाले हैं, तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने कहा था कि जो संविधान सभा होगी वो अकेले ही पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही होगी और इसमें सभी सही माने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। हमारे अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1947, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1946 या ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। तो आपको मैं बता दूं कि जो पहला सत्र हुआ था, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, ये पहला सत्र चला था, पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चला था, 23 दिसंबर 1947 तक, और इसी की पांचवी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को, माफ कीजिएगा ये 46 है, पांचवी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन संविधान किस प्रकार से निर्मित होना चाहिए, संविधान बनाने का हमारा क्या उद्देश्य होगा, हम किस किस पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उन सब की बात किसके तहत की गई, उद्देश्य प्रस्ताव के तहत। और ये कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। तेज प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946।
इस प्रस्ताव को आगे चल के 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेबी किपलानी या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर हमारे पहले विधि मंत्री माने जाते हैं और संविधान के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है और आधुनिक मुनि की संज्ञा भी दी जाती है। भीमराव अंबेडकर को क्या दिया जाता है? आधुनिक मुनि की संज्ञा। अभी हैदराबाद में जो तेलंगाना के अधीन हैदराबाद है, वहाँ पर एक इनकी स्टैचू स्थापित की गई थी। 108 फीट की वैसे स्टैचू है, लेकिन 215 फीट उसकी टोटल ऊंचाई है, जो विश्व में सबसे ऊंची भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है, उसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। हाल ही में इसका अनावरण किया गया था 2023 में, नवंबर 2023 में, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। नवंबर 2023 में हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया था हैदराबाद में। तो किससे संबंध रखता है वो स्टैचू? भीमराव अम्बेडकर से। भीमराव अम्बेडकर वही है जिन्होंने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज माना था, इन्हीं को ही आधुनिक मुनि की संज्ञा दी जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जेबी किपलानी या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, जो भी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये यूपीपीसीएस और एमपीपीएससी में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आपको इसका सही जवाब बताना है। अगर मैं इस समिति की बात करें, इस समिति की अगर खासियत बात करें, तो उस समय जो संविधान सभा में समिति बनी थी, 8 बड़ी समितियाँ बनी थी, उन समितियों में सबसे बड़ी समिति यह समिति थी, सबसे बड़ी समिति। इसमें 54 मेंबर थे उस टाइम पे। अब ये चीज आएगी नहीं पेपर में, पर मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग कहेंगे कि सर को कुछ आता नहीं है, कम चीज़ें बनती हैं, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा। जो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति बनी थी, ये सरदार पटेल के, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता पर बनी थी, और इस पर सबसे ज़्यादा सदस्य उस टाइम पे शामिल थे। इसके अंतर्गत कई सारी उप समितियाँ भी गठित की गई थी, जैसे आपने नाम सुना होगा, मौलिक अधिकारों पर उप समिति, तो उसकी अध्यक्षता की थी जेपी किपलानी ने। फिर पूर्वी क्षेत्रों के लिए सीमांत, पूर्वी और सीमांत क्षेत्रों के लिए एक समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षता की थी गोपीनाथ बारदोलाई ने। तो ऐसे कई सारे इसके अंतर्गत क्या बनी थी? उप समितियाँ भी बनी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रथम संबोधन किसके माध्यम से दिया गया था? अब देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न ये है कि जब 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में जो संविधान सभा थी, उसमें नई दिल्ली में संविधान सभा थी, उसमें 11 बजे बैठक शुरू होती है। जब बैठक होती है तो सभी अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए होते हैं, लगभग 211 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, हालांकि कहीं कहीं ये संख्या ऊपर नीचे भी मिल सकती है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 211 सदस्य शामिल होते हैं। फिर जब सब लोग बैठ जाते हैं, अब बात आती है कि हमको क्या करना है, एक अध्यक्ष को चुनना है, अस्थायी अध्यक्ष को चुनना है, लेकिन इस प्रक्रिया को संचालित कौन करवाएगा? तो सबसे पहले किसी ने भाषण दिया होगा, किसी ने बात कही होगी कि आप सभी का स्वागत है, हम इस प्रकार से आपका स्वागत करते हैं, अब हमारे बीच से ये अध्यक्ष बन के आएंगे, फिर अपनी बात रखेंगे। तो ऐसे ही कुछ बात कही होगी किसी ने। तो सबसे पहले ये संबोधन किसने दिया था, यही प्रश्न है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी जे बी किपलानी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से इस सवाल का जवाब कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जे बी किपलानी। जे बी किपलानी ही पहले वो सदस्य थे, ये आपके संयुक्त प्रांत से चुन के आए हुए थे, संयुक्त प्रांत से चुन के आए थे, और इन्होंने ही सबसे पहले संविधान सभा में अपना
संबोधन प्रस्तुत किया था। ये प्रश्न यूपीएससी पूछ चुका है, यूपीएससी का आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ये प्रश्न आपका एमपीपीएससी प्री परीक्षा में पूछा जा चुका है, आपको इसका जवाब देना है। हमारे ऑप्शन है, इसने संविधान सभा के बारे में बात हो रही है, इसमें लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में, इसने सबसे बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ठीक है। दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी की सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन सी है, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। या ऑप्शन डी, इसके चुनाव की प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वें अनुसूची के आधार पर निर्धारित थी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जब 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसके उपरांत जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी कि संविधान सभा का एक गठन किया जाएगा जिसमें हम वयस्क मताधिकार से लोगों को बुलाएंगे। लेकिन हुआ ये कि उस समय की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों को शामिल कर लें। अब वयस्क मताधिकार आप सभी को मालूम होगा कि जो व्यक्ति अपनी 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, चुनाव देने में सक्षम है, वो सभी वोट देंगे और अपने बीच से किसी प्रत्याशी को चुनेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था संविधान सभा में। संविधान सभा में व्यक्ति कहाँ से चुन के आया था? तो प्रांतीय विधानसभाओं से चुन के आया था, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुन के आया था। तो यहाँ पर यह गलत जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? बड़े ध्यान से समझिएगा, किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। ये सब परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, ये ऑलरेडी परीक्षा में किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आपको यहाँ पर बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अपनाया को अगर बोले जाए तो एडॉप्टेड, कब एडॉप्ट किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949 को। तो हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को हमने अपनाया था, अंगीकृत किया था, इसी को अंगीकृत भी बोलते हैं, अंगीकृत किया था। जैसा कि आप प्रस्तावना में सुनते होंगे तो उसमें लिखा हुआ है लास्ट में कि हम 26 नवंबर 1949 को संविधान के रूप में अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। तो ये बात कब की हो रही है? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1950 को लागू होता है संपूर्ण भारत में, लेकिन 26 नवंबर 1949 को यह अपनाया जाता है, अधिनियमित किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी जी वी मावलंकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए। पहले क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है और 11 दिसंबर 1946 के बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि आगे चल के माउंटबेटन योजना आती है, जिसके तहत एक स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किया जाता है और 14-15 अगस्त को दो नए देश बनकर आते हैं, एक होता है पाकिस्तान, दूसरा होता है भारत। और साथ ही ये घोषणा कर दी जाती है कि पाकिस्तान की एक नई संविधान सभा होगी जो जुलाई 1947 में घोषित कर दी जाती है। वायसराय जो होते हैं हमारे यहाँ के माउंटबेटन, उन्होंने ये बात घोषित कर दी कि जुलाई 1947 में भारत की संविधान सभा अलग हो जाएगी और उससे एक अलग पाकिस्तानी संविधान सभा सृजित होगी। जब ये आज़ादी मिली भारत को 15 अगस्त 1947 के बाद, संविधान सभा का क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। प्रश्न यही पूछा गया है कि इस पुनर्गठन के पश्चात, मतलब आज़ादी के उपरांत,
इस संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछा गया है, हालांकि आप सभी को यह चीज़ मालूम होगी इसकी अध्यक्षता राजन प्रसाद ने ही की थी। राजन प्रसाद अध्यक्ष थे और आगे चल के फिर यही पद जो होता है राष्ट्रपति का पद हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राजन प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। हमारा प्रश्न है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, राजन प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर डी महात्मा गांधी। तो बिल्कुल आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा होगा कि किसको शामिल किया जाए, किसको बोला जाए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को अगर बोलते हैं तो ऐसा लगेगा कि इन्होंने तो पहले कहा था कि वयस्क मताधिकार पे चुन के आना चाहिए, तो ये तो बोल नहीं सकते। सबसे पहले यही एलिमिनेट होगा, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को लोग बाहर कर देंगे। लेकिन इसका उत्तर भी जवाहरलाल नेहरू ही होगा। अब बता दूं कि इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी उसके उपरांत उसके दौरान इन्होंने कहा कि जो हमारी अभी की व्यवस्था अपनाई गई है वो सबसे बेस्ट है और इस व्यवस्था को हम अपनाए रखेंगे, जिससे क्या हो कि हमारा शासन संचालन का काम जो है, संविधान निर्माण का काम है, वो बेहतर रूप से संचालित हो सके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, अभी जो इसके पहले प्रश्न पूछा गया था उसमें यह था कि कई सारी समितियां थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? प्रारूप समिति। तो ये महत्वपूर्ण समिति के बारे में ही पूछा गया है, इसका बताना है आपको इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसके ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी या एन माधव राव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति का अगर कार्य की बात की जाए, भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में यह गठित की गई है, इसमें टोटल 7 सदस्य थे, भीमराव अंबेडकर सहित 7 सदस्य, जिसमें 4 सदस्यों के नाम यहाँ पर दिख ही रहे होंगे। इसके अतिरिक्त टीटी कृष्णाचारी, इसके अतिरिक्त आयंगर भी थे, गोपाल स्वामी आयंगर, और एक अय्यर भी थे, कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये 7 सदस्य थे यहाँ पर। अब प्रारूप समिति का जो मुख्य काम था कि जो विभिन्न समितियां अपनी सुझाव दे रही थी, जितनी भी समितियां उस टाइम पे बनी थी, 8 बड़ी समितियां बनी थी, बाकी कुछ छोटी समितियां बनी थी, तो जो उन्होंने सुझाव दिए थे उन सभी सुझावों को एकत्रित करने का काम किसने किया था? प्रारूप समिति ने। और प्रारूप समिति ने ही संविधान को जो पूरा मसौदा है उसको तैयार करके संविधान सभा के समक्ष रखा था। यही बात हो रही है किसके संबंध में? प्रश्न क्रमांक 17 के संबंध में। अगले प्रश्न में आते हैं, भारत का संविधान किस दिनांक को लागू किया गया? हमारे ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आपको मैंने अभी इसके पहले प्रश्न में बताया था कि अपनाए जाने की बात या अंगीकृत करने की बात या अधिनियमित करने की बात आ जाए तो वो डेट कब हो जाती है? 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू करने की डेट कब की है? 26 जनवरी 1950। और अगर ये बात कही जाए कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा, ये बात लिखी गई थी आर्टिकल 394 में। 394 में ये जानकारी मिलती है कि 26 जनवरी 1950 को जो 15 आर्टिकल है उसको छोड़ के सारे आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस दिनांक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास प्रस्ताव पेश किया गया? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, आप में से कई सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आप जल्दी से बताइए। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 8 फरवरी 1948, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1948, ऑप्शन सी 14 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। अब देखिए, ये जो चीज़ पेश की गई थी, ये जो प्रस्ताव पेश किया गया था, यही था एक्चुअल में संविधान। यही है क्या संविधान? भारतीय संविधान यही है।
प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा में इसको सबसे पहले कब पेश किया गया, जिसका ऑप्शन बी 14 नवंबर 1948 को। 14 नवंबर 1948 को इसका द्वितीय वाचन शुरू होता है, किसका, आपके प्रारूप समिति के द्वितीय वाचन शुरू होता है और उसी दौरान इसको पेश किया जाता है। और इस पे फिर खंडवार खंडवार भाग के आधार पे चर्चा होती है, कई सारे सुझाव मिलते हैं, 7,500 से अधिक सुझाव मिलते हैं और उन सुझावों को फिर शामिल कर लिया जाता है, लगभग 2,500 सुझावों को शामिल कर लिया जाता है और एक नया जो संविधान अपना होता है उसको 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित आत्मर्पित कर लिया जाता है और 26 जनवरी 1950 को लागू कर लिया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, उपाध्यक्ष किसे बनाया गया। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वी टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन बी टी टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी एस सी मुखर्जी, ऑप्शन डी फ्रैंक एंथोनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एस सी मुखर्जी। एस सी मुखर्जी 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। देखिए कई किताबों में आपको मिल जाएगा, कई सारी किताबों में मिल जाएगा कि वी टी कृष्णमाचारी भी क्या थे, उपाध्यक्ष थे, दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे वी टी कृष्णमाचारी, लेकिन कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, होना है। 11 दिसंबर 1946 में एक ही उपाध्यक्ष बनाया गया था, वो कौन बनाए गए थे, एच सी मुखर्जी। वी टी कृष्णमाचारी बने थे लेकिन ये बने थे कब, आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद जब संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा पुनर्गठित हुई थी तो जुलाई 1948 में इनको बनाया गया था, जुलाई 1948 में बनाए गए थे कौन, वी टी कृष्णमाचारी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रैंक एंथोनी के बारे में हमने चर्चा कर ही ली थी कि इनको बनाया गया था उपसभापति कब, जब अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, कौन, आपके सच्चिदानंद सिन्हा, तो 9 दिसंबर को बनाया गया था इनको उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति प्रदान की गई। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1949। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में अभी थोड़ी सी हमने चर्चा की थी इसके पहले कि उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की 5वीं बैठक में प्रस्तुत की गई और जिसमें ये तय किया गया कि हमारी रूपरेखा किस प्रकार होने वाली है, हम संविधान को किस रूप में देखना चाहते हैं और हमारा जो मूल उद्देश्य होगा कैसा होगा। तो उसे पेश किया गया था कब, 13 दिसंबर 1946 को। बात हो रही है कि इसको कब संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति प्रदान की, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति के साथ ये स्वीकार कर लिया जाता है कि हम क्या करेंगे, एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जिसमें क्या हो, समानता हो, जिसमें क्या हो, न्याय हो, अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात हो, जनजातियों के कल्याण की बात हो, भारत की स्वतंत्रता संप्रभुता सब बनी रहे, भारत की शक्तियों का स्रोत कौन हो, भारत की जनता हो, इस आधार पर हम अपने संविधान का निर्माण करेंगे। और इसके बाद ही संविधान में कई सारी समितियों का गठन किया जाता है जो मिल करके एक बेहतर संविधान का निर्माण करती हैं, जिसके बारे में आपको पता है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। अगला प्रश्न है आज़ादी के बाद पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई। आज़ादी के बाद पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 229, ऑप्शन बी 296, ऑप्शन सी 70 या ऑप्शन डी 299। देखिए जब कैबिनेट मिशन बना था उस टाइम पे 389 सीटें निर्धारित की गई थी, लेकिन जो स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 आता है उसमें क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान दो नए देश बन जाते हैं, संविधान सभा का पुनर्गठन हो जाता है। तब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि इस पुनर्गठित संविधान सभा में कितनी सीटें भारतीय संविधान सभा के लिए निर्धारित की गई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 299। 299 में सीटों में से 229 सीट आपकी ब्रिटिश प्रांत के अधीन थी और 70 सीटें देसी रियासतों के अधीन थी। इसी में अजमेर आएगा, मैसूर आएगा, त्रावणकोर आएगा, मध्य भारत जो हमारा मध्य भारत वाला क्षेत्र था वो आएगा और इसमें विंध्य प्रदेश आएगा, इसमें आपका जो भोपाल है वो भी आएगा। तो ऐसे कई सारी देसी रियासतें की सीटें शामिल होंगी। ब्रिटिश प्रांत में आपके जैसे सीपीएन बरार का नाम आपने सुना होगा वो आएगा,
फिर संयुक्त प्रांत का नाम आपने सुना होगा, वो आएगा, बिहार आएगा, उड़ीसा आएगा, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी? ब्रिटिश प्रांत के अधीन। तो 229 प्लस 70 के आधार पर बांटी गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत ने राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता कब हासिल की? देखिए, संविधान सभा जब बन रही थी उस टाइम पे संविधान सभा ने संविधान निर्माण के अतिरिक्त भी कई सारे कार्य किए थे। उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता को स्वीकार करना। तो ये कब की गई थी? हमारे ऑप्शन है मई 1949, जून 1949, या सी 26 जनवरी 1950, या डी 15 अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मई 1949 को। मई 1949 को भारत ने राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता स्वीकार की। अभी आपने काफ़ी चर्चा सुनी होगी राष्ट्रमंडल की सदस्यता है, ये है ना, अध्यक्षता नहीं, सदस्यता। अभी आपने काफ़ी चर्चा सुनी होगी मालदीव के विषय को लेकर कि मालदीव इसमें शामिल हो रहा है, निकल रहा है, फिर शामिल हो रहा है, फिर निकल रहा है। तो आपने ये अभी न्यूज़ में सुना रहा होगा राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, और इसी के संदर्भ में एक गेम भी होता है कॉमनवेल्थ गेम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है किसके संबंध में? राष्ट्रमंडल के संबंध में। अगले बात आते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? हमारे ऑप्शन है 24 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, या 22 जुलाई 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को जो चरखा युक्त तिरंगा झंडा था उसके स्थान पर जो अशोक चक्र वाला तिरंगा झंडा है उसको स्वीकार किया गया, जिसे हम अभी अपना राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं। आप ये भी एक चीज़ ध्यान दे लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी एक तदर्थ समिति बनी थी संविधान सभा के दौरान, उसकी अध्यक्षता की गई थी किसके माध्यम से? आपके राजेंद्र प्रसाद के माध्यम से। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तारीख को हुई? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 24 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहा है कि अंतिम बैठक कब हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को सारे सदस्य शामिल होते हैं और मुख्य रूप से इनका काम क्या रहता है? साइन करना, हस्ताक्षर करना। हस्ताक्षर का काम ये करते हैं और लगभग 284 लोग इस पर हस्ताक्षर करते हैं, जिनमें 9 महिलाएं होती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, संविधान सभा में चुने गए चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आपको बता दूं कि जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत के लिए चुनी गई थी, उसमें से 292 तो ब्रिटिश गवर्नर के अधीन जितने होते थे उनके थी, 4 ऐसे क्षेत्र थे जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आते थे। तो आपको यही बताना है कि वो कौन से क्षेत्र थे और कौन इसमें शामिल नहीं था। ये ऑप्शन है कुछ, इसके आधार पे आपको बताना है। हमारे ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बलूचिस्तान, या ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भोपाल। भोपाल इसके अंतर्गत शामिल नहीं था। भोपाल नो डाउट कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन ये आपके पार्ट सी के अंतर्गत आता था। पार्ट सी के जो राज्य होते थे उसके अधीन आता था। और आपको बता दूं कि भोपाल जो शामिल हुआ था वो ब्रिटिश प्रांत के अधीन शामिल हुआ था, देसी रियासतों के अधीन शामिल हुआ था, देसी रियासतों के अधीन शामिल हुआ था। और एक सदस्य ने इसमें सदस्यता ग्रहण की थी, इनका नाम क्या था? लाल सिंह। तो दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान, ये तीनों किसमें शामिल थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल थे। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक में सीपी एवं बरार से कितने सदस्य शामिल हुए? ठीक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। प्रश्न ये है कि सीपी एवं बरार से, चूँकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित थोड़ा सा प्रश्न है, तो आप इस चीज़ को, जो मध्य प्रदेश पीएससी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं और जो मध्य प्रदेश व्यापम की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि सीपीएम बरार से संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 14 सदस्य।
14 सदस्य शामिल हुए थे। लेकिन अगर बात की जाए, अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता कि आज़ादी के उपरांत जब पुनर्गठित संविधान सभा निर्मित की गई, उस काल में मध्य प्रदेश के CPM बरार वाले क्षेत्र से कितने सदस्य शामिल हुए, तो उस टाइम पे 17 सदस्य शामिल हुए थे। आज़ादी के उपरांत 17 शामिल हुए थे, लेकिन पहली बैठक में कितने शामिल हुए थे, 14 शामिल हुए थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव में कितनी महिलाएं नियुक्त होकर आईं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 26 या ऑप्शन डी 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15। इसमें आपने नाम सुना होगा विजयालक्ष्मी पंडित। बेगम एजाज रसूल। मालती चौधरी। सरोजनी नायडू। ऐसे ही 15 सदस्य चुन के आती हैं। अमृता राजकुमारी अमृत कौर भी इसमें चुन के आती हैं। ऐसे 15 महिलाएं चुन के आई होती हैं। फिर आगे चल के राजकुमारी अमृत कौर को क्या दिया जाता है, अंतरिम सरकार में शामिल भी किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव में कितनी महिलाएं नियुक्त होकर आई। रिपीट हो गए, कोई बात नहीं, इसका सही जवाब तो आपको पता ही हो गया कि कितनी महिलाएं आई, कि 15। फिर अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने कौन या कौन से तत्वों को अपनाया। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय गान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय गीत, ऑप्शन बी ऑप्शन सी राष्ट्रपति पद या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 24 जनवरी 1950 के दिन क्या हुई थी, आखिरी बैठक हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। इस दिन हमने क्या करवाया था, संविधान में सिग्नेचर करवाया था, और क्या करवाया था, राष्ट्रीय गान को स्वीकार करवाया था, और क्या किया था, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति का पद, ये तीनों चीज़ों को हमने स्वीकार किया था। कब, 24 जनवरी 1950 को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है। संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है, ये कथन किसका है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन लॉर्ड विंसकाउंट, सर आइवर जेनिंग्स, विंस्टन चर्चिल या ग्रेनविले ऑस्टिन। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड विंसकाउंट। लॉर्ड विंसकाउंट ने कहा था संविधान सभा की आलोचना में कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य हैं वो किससे संबंध रखते हैं, हिंदुओं से संबंध रखते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, हमारे यहाँ पर बेगम एजाज रसूल का नाम सुना होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम सुना होगा, ऐसे कई सदस्य किससे संबंध रखते थे, आपके मुस्लिम समुदाय से, और कुछ सदस्य थे वो सिख समुदाय से संबंध रखते थे। तो उनकी बात जो है आलोचना पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत नहीं होती है। हालांकि ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा कथन किसके माध्यम से किया गया है, कहा गया, इसीलिए प्रश्न को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में किया गया है। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड विंसकाउंट, ऑप्शन बी सर आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल या ऑप्शन डी ग्रेनविले ऑस्टिन। इसका सही जवाब हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल उस टाइम पे विपक्ष के बहुत बड़े नेता थे, और इसके पहले इंग्लैंड के ये प्रधानमंत्री भी बने थे। इन्होंने ही विरोध में, मतलब आपकी आलोचना में संविधान सभा के ये कथन कहा था कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व तो संविधान सभा में किया जा रहा है। वो है क्या, वो कथन किसका था, विंस्टन चर्चिल का। अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत, यह कथन किसका है। लॉर्ड विंसकाउंट का, सर आइवर जेनिंग्स का, सी विंस्टन चर्चिल का या डी ग्रेनविले ऑस्टिन का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने ही संविधान सभा के आलोचना के रूप में इस कथन को कहा था। किस संविधान सभा के सदस्य ने प्रारूप समिति को आलोचनात्मक रूप से अपवहन समिति कहा। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए निराजुद्दीन अहमद, आर एल मालवी, सी काजी सैयद करीमुद्दीन या डी हरिविष्णु कामत।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निराजुद्दीन अहमद। इन्होंने इसलिए प्रारूप समिति को आह्वान समिति कहा क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा इन्होंने बर्बादी देखी। इन्होंने कहा कि किसी संविधान को बनाने में इतना समय नहीं लगता, कई सारे संविधान बहुत जल्दी बन के तैयार हो गए। इन्होंने उदाहरण दिया फ्रांस के संविधान का, इन्होंने अमेरिका के संविधान का उदाहरण दिया, लेकिन इनके तर्कों को इस आधार पर वितर्क किया जाता है कि संविधान सभा चूँकि कई देशों के संविधान का अवलोकन कर रही थी, प्रारूप समिति कई देशों के संविधान के मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर रही थी, साथ ही ये भी देखना था कि कौन से संशोधन के प्रस्ताव आए हैं और वो किस प्रकार लागू करना है, इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि हमने बहुत ज़्यादा समय बर्बाद किया। तो इस आधार पर तर्कों को निराधार बताया जाता है। हालांकि जो आर एल मालवी थे, काजी सैयद करीमुद्दीन थे, हर विष्णु कामत थे, इनका संबंध आपके सी पी एवं बरार से माना जाता है। सी पी एवं बरार ये सदस्य संविधान सभा के कहाँ से चुन के आए थे? सी पी एवं बरार से। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद पुनर्गठित संविधान सभा में सर्वाधिक सीट किस प्रांत की थी? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी मद्रास। जैसा कि आपको पता है कि जो संविधान सभा के सदस्यों का गठन किया जाना था वो आपकी 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुना जाना था लगभग। अब आप बताइए कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूपी में। यूपी को पहले क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत। अब जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी वहीं से ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लोग चुन के आएंगे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य चुन के आते हैं। आज़ादी के उपरांत की बात हो रही है, 31 दिसंबर 1947 की स्थिति पूछ रहा है। 31 दिसंबर 1947 की स्थिति के दौरान की बात है। संयुक्त प्रांत में 55 सीटें आती हैं, फिर मद्रास में उससे कम सीटें रहती हैं, बिहार में 36 सीटें रहती हैं बिहार में। अगला आते हैं अगले प्रश्न में, आज़ादी के बाद पुनर्गठित संविधान सभा में सीपी एवं बरार से कितने सदस्य शामिल हुए? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 17 या ऑप्शन डी 19। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 17। इसमें अभी आपको मैंने जैसे बताया आर एल मालवी, उसके अतिरिक्त राजकुमार अमृत कौर, एच बी कामत, फिर आपके रविशंकर शुक्ल का नाम आपने सुना होगा, ये सब कहाँ संबंध धर्माधिकारी का, एस टी धर्माधिकारी, ये सब कहाँ से चुन के आए थे? आपके सी पी एवं बरार वाले क्षेत्र से चुन के आए थे। तो 17 सदस्य टोटल चुने गए थे, 3 सदस्य चुने गए थे एंग्लो इंडियंस, 3 सदस्य एंग्लो इंडियन चुने गए थे, जो पूरी संविधान सभा में केवल 3 थे। अगला प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है भोपाल से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए लाल सिंह, ऑप्शन बी रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी राम सहाय तिवारी, ऑप्शन डी एस टी धर्माधिकारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाल सिंह। इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी, भोपाल रियासत से केवल एक ही सदस्य शामिल हुआ था और वो सदस्य कौन थे? आपके लाल सिंह। रविशंकर शुक्ल सी पी एम बरार से, राम सहाय तिवारी आपके विंध्य प्रदेश से आते हैं और एस टी धर्माधिकारी भी आपके सी पी एवं बरार से आते हैं। ये आते हैं कहाँ से? विंध्य प्रदेश से। और रविशंकर शुक्ल और एस टी धर्माधिकारी, मतलब शंकर त्रैंबक धर्माधिकारी, इनका पूरा नाम है शंकर त्रैंबक धर्माधिकारी, इनका संबंध कहाँ से था? सी पी एवं बरार से। अगले प्रश्न पे आते हैं, आज़ादी के बाद विंध्य प्रदेश से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व कितने लोगों ने किया? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 1। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2। आज़ादी के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो उसमें विंध्य प्रदेश से केवल 2 सदस्यों ने नेतृत्व किया था। उसमें पहले सबसे पहले शामिल होते हैं अवधेश प्रताप सिंह, शंभुनाथ शुक्ल, लेकिन आगे चल के इनके स्थान पे कई अन्य लोग भी शामिल होते हैं, जैसे मन्नू लाल सिंह का नाम सुना होगा। इसके अतिरिक्त भी और लोग भी शामिल होते हैं, बात करेंगे उन पे। तो मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व था? तो 2 सीटों का प्रतिनिधित्व था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? अब यहाँ पर फैक्ट की बात आ रही है, भारतीय संविधान को लिखने का काम किसने किया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन बी बसंत कृष्ण बैद, ऑप्शन सी नंदलाल बोस या ऑप्शन डी व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। व्यवहार राम मनोहर सिंह, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण राय
ज़्यादा इन्होंने ही पूरे संविधान सभा की जो जो बातें कही गई थी, जो संविधान में लिखना था, उसको हस्तलिखित किया था। इसी को बोलते हैं सुलेखन, को ही बोलते हैं क्या, कैलीग्राफी। इन्होंने ही सबसे पहले संविधान को इटैलिक शैली में लिखने का काम किया था। अंग्रेजी भाषा में लिखा था इन्होंने, हिंदी में नहीं लिखा था, अंग्रेजी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न आते हैं, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? आपको ये तो बता दिया मैंने कि अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अब आपको यहाँ पर बताना है कि हिंदी में किसने लिखा था। पहले ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिसको तो हटा देते हैं, मतलब ये नहीं होंगे। फिर है दूसरा ऑप्शन बसंत कृष्ण बैद, ऑप्शन सी नंदलाल बोस, या ऑप्शन डी व्यवहार राम मनोहर सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य ने सबसे पहले संविधान को हिंदी संस्करण के रूप में लिखने का काम किया था। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रथम ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? हमारे ऑप्शन है एल एन मुखर्जी, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी बी एन रॉय, या ऑप्शन डी बी पी मेनन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बी एन राव। बी एन राव ने ही सबसे पहले संविधान सभा के लिए प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया था। फिर आगे चल के ये ICJ के सदस्य बन जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जो जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेग में, उसके सदस्य बन जाते हैं। फिर उसकी अध्यक्षता भी ये प्राप्त कर लेते हैं। तो बी एन राव ने सबसे पहले प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ये चुने गए थे किस में, हमारे संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुने गए थे। एल एन मुखर्जी कौन थे? तो एल एन मुखर्जी हमारे चीफ ड्राफ्ट मैन थे। संविधान सभा के चीफ ड्राफ्ट मैन कौन माने जाते हैं? एल एन मुखर्जी। एम एन रॉय वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का प्रस्ताव पेश किया था। फिर बी पी मेनन की बात करें तो ये गृह सचिव थे, जो अंतरिम सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय था उसके गृह सचिव बी पी मेनन थे। इन्होंने ही आगे चल के पूरे भारत को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। बी पी मेनन की और अगर खास बात की जाए तो ये आगे चल के उड़ीसा के राज्यपाल भी बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के द्वारा मुहर में किस जंतु के छप दर्शाई गई थी? जो एक मुहर बनी थी संविधान, अगर देखेंगे तो उसमें एक ठप्पा लगा हुआ है, उसमें आपको बताना है किस जंतु की छवि दर्शाई गई थी। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गेंडा, या ऑप्शन डी मछली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हाथी। हाथी को मुहर के रूप में दर्शाया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के मूल संस्करण के सौंदर्यीकरण तथा सजावट में नंदलाल बोस एवं व्यवहार राम मनोहर सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है, इनका संबंध कहाँ से था? इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी शांति निकेतन, ऑप्शन सी बॉम्बे समिति, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शांति निकेतन। शांति निकेतन अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि 2023 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। और अभी भारत में कितने विश्व धरोहर सूची हो गए हैं? 42। हमारे यहाँ भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सदस्य टोटल शामिल संख्या में धरोहर शामिल हो चुकी है। शांति निकेतन से ही संबंध रखते हैं कौन? नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिंह जी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए एल एन मुखर्जी, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी बी एन राव, या ऑप्शन डी बी पी मेनन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी एन राव। बी एन राव के बारे में अभी हमने चर्चा कर ही ली है कि आगे चल के कहाँ के सदस्य बन जाते हैं? ICJ के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य बन जाते हैं। हम आज के और आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए एल एन मुखर्जी, ऑप्शन बी एच वी आर आयंगर, ऑप्शन सी बी एन राव, या ऑप्शन डी बी पी मेनन। तो देखिए बी एन राव के बारे में अभी यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, मतलब कौन सी चीज़ों को हटा के अपने उत्तर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमने काफ़ी सारे प्रश्नों का चर्चा कर ली, लगभग 45 प्रश्नों की अपन ने चर्चा कर ली। अब उन प्रश्नों में से ही कई सारे हमको उत्तर भी मिल चुके थे। बी एन राव के बारे में अगर बात की जाए तो ये संवैधानिक क्या थे? सलाहकार। तो ये उत्तर होगा क्या? नहीं होगा। ठीक, बी पी मेनन के बारे में बात कर ली थी इसके पहले, हमने क्या कहा था बी पी मेनन कौन थे? गृह सचिव थे, तो ये भी नहीं होगा। एल एन मुखर्जी के बारे में बात कर ली, ये चीफ ड्राफ्ट मैन थे। एल एन मुखर्जी क्या थे? चीफ ड्राफ्ट मैन, मतलब क्या होगा उत्तर? ये भी नहीं होगा।
तो सही उत्तर क्या बचता है? एच वी आर अयंगर। सही जवाब क्या हो जाएगा? एच वी आर अयंगर। तो दोस्तों ये जो प्रश्न हैं मेरे पास, अभी प्रश्नों की और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अभी और प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे इस सीरीज में, लेकिन समय के अभी अभाव के कारण हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप WinIAS के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। हम चाहेंगे कि अपनी पूरी चर्चा को सामान्य रूप से कम्प्लीट करें और जितने भी संविधान, भारतीय संविधान के जितने भी पहलू हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उनको हम कम्प्लीट करें। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास पे, और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।